अंग्रेजन और गरीब बहू के ससुराल में पकवान। मेरी प्यारी बहू, रात को कैसी नींद आई? मैं घर में सो भी पाई कि नहीं? बहुत ही अच्छी नींद आई माँ, गद्दा भी एकदम मुलायम था। आपको ही मुलायम लगा होगा, वो पत्थर जैसा टफ गद्दा। माँ जी, मेरी तो पूरी कमर ही दुख कर रह गई। मेरे अमेरिका में तो बिल्कुल ऐसे गद्दे मिलते हैं कि लेटते ही उन पर नींद आ जाए, लेकिन यहाँ तो मैं करवटें ही बदलती रही। अपनी विलायत से आई बहू की बात सुनकर आशा बस चुप ही रह गई। दरअसल आशा ने अभी कल ही अपने दोनों बेटों राम और वंश की शादी की थी। वंश अपने देश से बाहर ही पढ़ाई करता था, इसीलिए वो तो अपनी दुल्हन भी विलायती ही लेकर आया था। और आशा ने अपने दूसरे बेटे की शादी बस एक सीधी शरीफ गरीब से घर की लड़की से करवा दी थी। बाहू, मैं वंश को बोलकर तेरे गद्दे बदलवा दूंगी। अब ये सब बातें छोड़ो और आज तुम दोनों की ही पहली रसोई है, तुम्हें पता तो है ना? बिल्कुल माँ। तो क्या तुम दोनों तैयार हो? जी। लेली बहू, तू भी तो कुछ बोल। अब ये पहली रसोई क्या होता है? तुझे नहीं पता? ये शादी के बाद की एक रस्म होती है, जिसमें नई बहू अपने ससुराल में पहले दिन अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। अब तुझे कुछ समझ आया? यस, मैं समझ गई। बहुत अच्छे, तो अब तुम दोनों जाओ और काम पर लग जाओ। अपनी सास की बात सुनकर दोनों ही बहुएं अपनी पहली रसोई करने चली गई। नेहा को तो लिली से कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन लिली बेवजह ही नेहा से जल रही थी। पता नहीं ये अजीब सी बैंगर सी लड़की क्या बनाएगी, जो भी हो ये मुझसे अच्छा खाना नहीं बना पाएगी। कहाँ खो गई देवरानी जी? कुछ नहीं। आपने सोच लिया कि आपको क्या बनाना है? यस, मैं तो चॉकलेट केक बनाऊंगी। अच्छा है, मैं खीर बना लेती हूँ। दोनों बहू अपने काम में लग गईं। लिली केक बना रही थी तो वहीं नेहा बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ीदार खीर। आज तो मैं कैरमल खीर बनाऊंगी, जैसे मैंने एक बार यूट्यूब से देखकर अपने मायके में बनाई थी। कुछ भी कर लो, आज सिर्फ सबसे ज्यादा अच्छा मेरा केक ही बनेगा। लिली बेवजह ही बेचारी नेहा से जल रही थी। वो दोनों रसोई में एक साथ काम तो कर रही थी, लेकिन लिली उससे खुश नहीं थी। देवरानी जी, मुझे चीनी देना। मैं क्यों दूं, खुद ले लो। मैं क्या तुम्हारी नौकर लग रही हूँ? तुम्हारी परेशानी क्या है लिली? मैं तो तुमसे कितने प्यार से बात कर रही हूँ, और तुम हो कि मुझसे ऐसी जली कटी बातें कर रही हो। और क्या, मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात करूँ? भिखारिन लड़की, हद पार मत करो। मैंने अभी तमीज का दामन पकड़ा हुआ है, इसीलिए तुम बोल पा रही हो। मुझे इसे छोड़ने पर मजबूर मत करो लिली। डायलॉग तो काफी अच्छा था, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे डायलॉग ओवर एक्टिंग लगते हैं। ज्यादा मुझ पर ध्यान मत दो, वरना तुम भी जल जाओगी और तुम्हारा केक भी, समझी? ओह नो, मेरा केक कहाँ था ना? जस्ट शट अप। यहाँ अंग्रेजी ना जाने, ये भारत है। नेहा ऐसे बोलती हुई बाहर से चीनी लेने आ गई। उसकी खीर से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। नेहा के बाहर जाते ही लिली को एक शरारत सूझी। मुझसे जुबान चलाना अब तुम्हें महंगा पड़ेगा जेठानी जी। ऐसे बोलकर लिली ने खीर में नमक का पूरा डब्बा पलट दिया। अब खिलाना सभी को जहर सी खीर। लिली ऐसा करके अभी हंसी रही थी कि तभी रसोई में उसकी नंद पूजा आ गई। भाभी, आप अकेले ही क्यों हंस रही हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। तुम यहाँ कब आई? बस अभी। वैसे तो मैं देखने आई थी कि मेरी दोनों भाभियां क्या बना रही हैं। मैं तो चॉकलेट केक बना रही हूँ। यम, जल्दी बनाइए, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। ऐसे बोलकर पूजा रसोई से बाहर आ गई। कुछ ही देर में दोनों बहुओं के पकवान तैयार हो गए। दोनों ही बहुओं ने अपने अपने पकवानों को जाकर टेबल पर सजा दिया और सभी घर वाले भी टेबल पर ही आ गए। लिली ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना चॉकलेट केक बनाया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ नेहा की खीर भी प्यालियों में बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही थी। भाई वाह, कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं मेरी बहुओं ने। माँ जी, अब क्या बस आप देखती ही रहोगी या फिर इसे खाओगी भी? हाँ बहू, जरूर खाऊंगी। आशा ने केक काटा और सभी को दिया। सभी को लिली का केक बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और अब बारी थी नेहा की खीर खाने की। लिली बहू, तूने साबित कर दिया कि तू एक बहुत ही अच्छी शेफ है। चल नेहा, अब अपनी खीर खिला।
नेहा ने खीर की कटोरी सभी के आगे कर दी। अभी हमें नहीं, पहले अपनी देवरानी को इसका स्वाद चखा। मुझे क्यों माँ जी? बस मेरा मन है कि इस खीर को सबसे पहले तो चखे। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये लो लीली, पहले से तुम ही खा लो। पर खा, जो तूने हरकत की है सबसे पहले उसका स्वाद तू ही चख। आशा की बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो गए और वंश बोला, माँ क्या हरकत की है लीली ने, ये आप क्या बोल रही हो? अरे बेटा, तेरी बीवी ने आज बहुत ही ज्यादा नीच हरकत की है। मुझे पूजा ने बताया कि जब वो रसोई में गई थी तब लिली नेहा की खीर में कुछ डाल रही थी और वो पूजा को देखते ही एकदम से घबरा गई। लेकिन वो क्या था? हो सकता है नेहा भाभी ने ही लिली को कुछ डालने को बोला हो। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बिना सोचे समझे किसी को कुछ नहीं बोलती। पूजा के बताते ही मैं रसोई में गई और चेक करके आई कि लिली ने क्या मिलाया था। और पता है, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, इसने अपनी तारीफ करवाने के लिए बेचारी नेहा की खीर में नमक मिला दिया। क्या? हाँ, अब तू ये गुनाह अपने मुंह से कबूल करेगी बहू या नहीं? वो भाभी, मैंने आपको साफ साफ हंसते और नमक मिलाते देखा था, तो अब आप झूठ नहीं बोल सकती हो। हाँ, मैंने नमक मिलाया था और मैं इस बात पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हूँ। इस जैसी भिखारी लड़की के साथ ऐसा करके मुझे जरा सा भी दुख नहीं हो रहा है। ऐसे बोलकर लिली अपने कमरे में चली गई। पहले ही दिन अपनी अंग्रेजन बहू के ऐसे तेवर देख आशा अपना सर पकड़कर बैठ गई। अभी लिली कमरे में गई ही थी कि तभी उसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हे भगवान, क्या हुआ? सभी खाना छोड़कर तेजी से लिली के कमरे में की तरफ भागे और कमरे में देखते ही सभी की आंखें फट गई। वहां कमरे में एक बहुत ही बड़ा काला नाग था जो धीरे धीरे लिली की तरफ ही बढ़ रहा था। मुझे बचाओ, हे भगवान, कितना बड़ा नाग! अरे राम, वंश कुछ करो। मैं जल्दी से कोई डंडा लेकर आता हूँ। वंश तू भी आ। राम और वंश डंडा लेने चले गए। पता नहीं ये सब कब लौटेंगे। ये नाग कहीं लिली को काट ना ले, लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसे बोलकर नेहा कमरे में चली गई और उस नाग का ध्यान भटकाने लगी। आजा नाग, मेरी देवरानी को छोड़ दे। नाग लिली को छोड़कर नेहा की तरफ बढ़ने लगा और लिली जल्दी से भागकर बाहर आ गई। नेहा ने वहीं पास से एक तकिया उठाया और उस नाग के ऊपर रख दिया। नाग राजा, अब कहां जाओगे? नेहा के ऐसा करते ही राम और वंश आ गए और फिर उन्होंने उस नाग को डंडे पर पकड़ लिया और उसे बाहर छोड़ दिया। इस सब के बाद लिली को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जेठानी जी, मैंने तो आपके साथ कितना गलत किया और आपने? कोई नहीं, आई एम सॉरी नेहा जेठानी जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। देखा तूने बहू, जिसे तूने अपनी दुश्मन समझा था आज उसी ने तेरी जान बचाई है। अब आगे से कभी एक दूसरे से बैर मत रखना, क्योंकि वक्त का पता नहीं हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। अपनी सास की बात सुनकर लिली ने गर्दन हिलाई। अब उसे अपनी गलती महसूस हो चुकी थी। उसने फिर कभी आगे से नेहा से बेवजह नफरत नहीं की और सभी मिलजुल कर रहने लगे थे। घमंडी सास की काली बहू की तुलसी माँ। काली कलूटी, तुझसे संभल कर काम करने नहीं आते हैं क्या? माफ कर दो सासू माँ, गलती से हो गया। गलती से हो या फिर जानबूझकर, लेकिन मेरी इतनी महंगी प्लेट तोड़ने की सजा तो मैं तुझे जरूर दूंगी। ऐसे बोलकर रेखा ने बेलन उठा लिया और जोर जोर से बेचारी आनंदी को मारने लगी। माफ कर दीजिए माँ जी। माफ कर दूं तुझे? हाँ, घर के कामों को तो तुझसे ध्यान से करा नहीं जाता है, बस अपनी तुलसी माता के ही काम ध्यान से करने आते हैं तुझे। ऐसे बोलकर रेखा बेचारी आनंदी को जोर जोर से मारने लगी। अभी रेखा आनंदी की मार लगा ही रही थी कि तभी वहां पर उसी की बेटी प्राची आ गई जो कॉलेज गई हुई थी। अरे अरे माँ, यह आप क्या कर रही हो? इसकी अकल को ठिकाने लगा रही थी, तू कब आई? बस अभी अभी। माँ प्लीज, भाभी को ऐसे मत मारो। चल चल, तू अपने कमरे में जा, मैं जानती हूँ कि इससे मुझे कैसा सुलूक करना है। माँ छोटी छोटी बातों पर मैं आपको भाभी को नहीं मारने दूंगी। चलिए भाभी। प्राची आनंदी को अपने साथ अपने कमरे में ले आई। सिर्फ घर में एक प्राची ही थी,
जो आनंदी से थोड़ी बहुत हमदर्दी रखती थी। भाभी, माँ आपको क्यों मार रही थी? वो दरअसल, आनंदी ने प्राची को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर प्राची बोली, भाभी बात कुछ भी नहीं है, बस माँ आपको पसंद नहीं करती हैं और इसीलिए वो आपसे इतनी चिढ़ती भी हैं। मैं मेरी माँ को अच्छे से जानती हूँ, अगर कोई काम उनकी मर्जी से ना हो तो वो बात का बतंगड़ बना लेती हैं। मेरी माँ को भैया के लिए गोरी और सुंदर सी बहू की चाहत थी, लेकिन उनकी ये चाहत हमारे बाबा की वजह से पूरी नहीं हो पाई। बस यही वजह है भाभी जो माँ आपसे इतनी खफा रहती हैं। प्राची, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन माँ की इस इच्छा को पूरी करना मेरे बस में नहीं है। मेरे रंग को तुलसी माता ने जैसा बनाया है, मैं उसे चाह कर भी नहीं बदल सकती हूँ। एक मिनट, तुलसी माता? अरे नहीं, क्या हुआ? आज तो मैं तुलसी माता को जल चढ़ाना ही भूल गई। आनंदी अपने सारे दुख भूल कर बाहर आई और एक तांबे के लोटे में तुलसी के पौधे के लिए घर का स्वच्छ पानी ले लिया। आनंदी तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। वो रोजाना तुलसी मैया को पूजती थी, उनके पौधे का ध्यान रखती थी और रेखा को आनंदी की ये बात भी बुरी लगती थी। काली, कहाँ जा रही है? माँ, वो आज मैंने तुलसी माता को ना पानी नहीं दिया था, बस उन्हें जल चढ़ाने ही जा रही हूँ। तू तो उन्हें जल चढ़ाते चढ़ाते ही मर जाना। अरे कभी उन्हें जल देने से अच्छा उस पानी को अपने मुंह पर मार कर देख लेना, कभी तू गोरी हो जाए। माँ जी, आप मुझसे इन बातों को बाद में कर लेना। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, जा दफा हो जा अपना काला थोबड़ा लेकर। रेखा की बात सुनकर बस आनंदी चुपचाप बाहर अपने पौधे को पानी देने आ गई और तुलसी माँ को पानी देते हुए उसकी भी आंखों से पानी का झरना बहने लगा। हे तुलसी माँ, अगर मेरा रंग काला है तो क्या इसमें मेरी कोई खता है? ये तो सब आपकी ही लीला है, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ। आपने मुझे जैसा भी बनाया है मैं उसी रूप के साथ खुश हूँ, लेकिन ये दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है माता। बचपन से मैं इस काले रंग की वजह से दुखों का सामना कर रही हूँ, अब मेरी जिंदगी में और कितने दुख बाकी हैं, जवाब दो माँ। बेचारी आनंदी ऐसे बोल बोल कर रोने लगी। उसकी सास इसी तरह से उसके ऊपर जुल्म किया करती थी, जिन जुल्मों को बेचारी आनंदी बस चुपचाप झेल लेती थी। सिलसिला इसी तरह से जारी था और अब कार्तिक मास की द्वादशी लग चुकी थी। आनंदी भी इस द्वादशी को तुलसी माता की शादी करके अपने दुखों को दूर करने की मन्नत मांगने को सोच रही थी। ये पूरे घर को तूने फूलों से क्यों सजाया हुआ है? आज कुछ खास है क्या? आज इस सृष्टि का सबसे खास दिन है माँ जी, आज तुलसी माता का शालिग्राम जी से विवाह का दिन है। हाँ तो माँ, मैं भी आज सब विधि विधान से तुलसी मैया का विवाह हमारे आंगन में ही संपन्न करवाऊंगी। तू पागल हो गई है? मैं ये ड्रामा अपने घर में तो जरा भी नहीं होने दूंगी। माँ, ये कोई ड्रामा नहीं है, आप तुलसी मैया की असीम लीलाओं को शायद जानती नहीं है। पता है माँ जी, जिस घर में तुलसी माँ का पौधा होता है और सभी घर के लोग उसे पूजते हैं, वहां पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और कहते हैं कि उस घर में कभी कोई दोष नहीं आता। और हाँ, एक और बात, जहां तुलसी मैया का पौधा लगाया जाता है उस घर में लक्ष्मी जी भी हमेशा वास करती हैं। चल चल बस कर अब अपना ये भाषण, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली हूं, समझी? जब मैंने बोल दिया कि इस घर में कोई शादी नहीं होगी तो बस कोई शादी नहीं होगी। माँ, आप हमेशा मुझे हर बात से रोकती हैं, लेकिन आज मैं नहीं रुकूंगी। अच्छा, क्या मिलेगा तुझे ये सब करके, बोल। रेखा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी घर में आनंदी का पति आकाश भी आ गया और अपनी माँ को चिल्लाता हुआ सुनकर बोला, माँ क्या बात है, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? देख, तू ही देख अपनी बहू को, इसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। हे राम, मैं क्या करूं? देख बेटा, तेरी पत्नी मुझसे जुबान चला रही है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरा एक ही बेटा था और उसकी बहू भी मेरी अपनी ना हो सकी। रेखा ने इसी तरह आकाश को बहुत ज्यादा चढ़ा दिया। आकाश भी उसकी बातें सुनकर गुस्से में आनंदी को घूरने लगा। मेरी माँ से ऐसा बर्ताव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आनंदी? ऐसे बोलकर आकाश ने आनंदी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और चंट चालाक रेखा ने उसकी चुटिया पकड़ ली। अब समझ आएगा तुझे कि मुझसे जुबान चलाना कैसा है। माँ, अगर इसके ज्यादा पंख निकल रहे हो तो मुझे बता दो, मैं अभी इसके पंखों को काट फेंकूंगा। ऐसे बोलकर आकाश ने बेचारी आनंदी को मार लगाना शुरू कर दिया। रेखा भी आनंदी को पीट ही रही थी। अभी वो ऐसा कर ही रहे थे कि तभी एक ही दम उनके हाथ पांव जाम हो गए। अरे अरे, वो दोनों हिलने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। माँ, ये सब क्या हो रहा है? आनंदी भी ये सब देखकर हैरान ही थी।
कि तभी वहां पर एक जोर की रोशनी चमकी और स्वयं तुलसी माँ वहां पर प्रकट हुई। तुम दोनों बहुत पापी हो, आकाश तुम्हारी माँ तुम्हें गलत कामों के लिए उकसा रही है और तुम वैसा कर भी रहे हो। तुम्हारी माँ एक नंबर की घमंडी औरत है, जानते हो बेचारी आनंदी ने तुम्हारी माँ से कुछ भी अलपल नहीं कहा था, बस वो बेचारी तो मेरा विवाह करना चाहती थी, लेकिन तुमने भी अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी और उस पर अत्याचार किया। आनंदी तो इस सब को भी चुपचाप झेल लेती, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तुम्हारे सारे पापों की मैं तुम्हें सजा दूंगी। ऐसे बोलकर तुलसी माँ ने अपनी बाहें फैलाई। उनके पीछे से अचानक ही तुलसी के पौधे की शाखाएं निकलने लगी और उन शाखाओं ने आकाश और रेखा को जकड़ लिया। उन्होंने उन्हें इतना तेज जकड़ा था कि उन दोनों का दम निकलने वाला था। अपने पति और सास को ऐसे तड़पता देख आनंदी ने तुलसी माँ से उन्हें छुड़ाने की गुहार लगाई। माँ कृपा करके इन्हें छोड़ दो, यही मेरा सब कुछ है, इन्हें माफ कर दो। ठीक है आनंदी, सिर्फ तुम्हारे बोलने पर मैं इन्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन हाँ याद रहे, आगे से कोई भी पाप करने से पहले तुम एक बार मुझे जरूर याद कर लेना। ऐसे बोलकर तुलसी माता गायब हो गई। अब आकाश और रेखा को सब कुछ समझ आ चुका था। मुझे माफ कर दे बहू, अब बस मैं तुझसे और क्या कहूँ। मुझे भी माफ कर दो आनंदी। अब आप सब कुछ समझ गए हो तो प्लीज माफी मत मांगो। चलिए अब हम मिलकर तुलसी माँ की विवाह की तैयारी करते हैं, इससे उन्हें खुशी मिलेगी। आनंदी के ऐसा बोलते ही सभी विवाह की तैयारी करने लगे। उन सभी ने तुलसी के पौधे को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया और फिर पंडित को बुलाकर सभी विधियों से शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह करवाया। उस दिन के बाद से आनंदी के भी घर में फिर कोई कलेश नहीं हुई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।